साथ के कौन है, क्योंकि अकेले जाना चैलेंजिंग रहता है। ओके मुझे कल भी जो है ना वो जम्मू में रामबन के बाद एक जगह पे पूरा चेन फंस गया था मेरा। मैं तो सोचा, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मैं सोचा कि अब तो मुश्किल है। फिर तंडे दिमाग से जो ना सोचकर ठीक है क्या कर सकता है सोचकर फिर मैं ही कुछ ठीक कर दिया था मैंने। मतलब रास्ते में काफी मुसीबतें आती हैं, मुसीबत आती हैं, इसलिए आप देखिए मैं एक टायर एक लेकर जाता हूं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू तक और हीरानगर मीडिया, और मैं राकेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने फेसबुक पेज पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है यहाँ से निकल रहा था और रास्ते में देखा कि ये एक आदमी जो है साइकिल लेके जा रहा है, और इसके साइकिल पर लिखा हुआ था कमिटी वाइज साइकिल रिड्यूस पोल्यूशन राइड फ्रॉम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर अवॉइड प्लास्टिक बैग्स यूजेज, बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है और क्या ये मोटिव लेके निकले हैं अपने घर से। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्रीनिवासन है। सर क्या आपका ये मोटिव लेके निकले हो आप? जैसे मैं चेन्नई से हूँ मैं, ठीक है, मेरा मोटिव था जो साइकिल को सबको सब लोग थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चालू करना चाहिए। अभी हम लोगों का सबका जो है ना ये गाड़ी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो सब लोग अभी पेट्रोल का यूज़ करवा कर गाड़ी का कहीं पे भी है गाड़ी में यूज़ कर लेते हैं वो, ठीक है, तो उससे पोल्यूशन सब बढ़ता है। उससे अच्छा कि अगर हम लोग साइकिल में जितना जितना हो सकता है, जैसे हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं या सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो और बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मैं चेन्नई में जो ना करीब मेरा ऑफिस मेरा घर से 30 किलोमीटर का दूर है, वहाँ पे साइकिल पे जाते हो? हाँ, मैं वहाँ पे साइकिल पे रोज़ सुबह शाम करीब 60 किलोमीटर जो ना मैं साइकिल में जाता हूँ। मैं जैसे मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं, ठीक है, सो मैं जो ना किस चीज में जॉब करते हो? मैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है उसमें मैं काम करता हूँ, ठीक है, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है वो, ठीक है। सो फिर भी मेरे पास कार है, बाइक है, सब कुछ है, बट फिर भी जो ना मैं साइकिल से चलाना मैं प्रेफर करता हूँ मैं, ठीक है। और ऐसे मेरे से दोस्त लोग भी है वहाँ पे करीब 100 लोग करीब है, सो नज़दीक में जो ऑफिस में सबको जाता है वो, तो साइकिल यूज़ कर हमको पोल्यूशन कम करना है। सो ये एक मकसद था, और दूसरा मकसद था जैसे आप देख सकते हैं साइकिल में जो डाला हूँ कि वो तेली जो हम यूज़ करते हैं ना वो प्लास्टिक का तेली जो आर एक सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है, तो उसका जितना होगा उतना हमको कम यूज़ करना चाहिए। अब क्या ना मेरा घर में आप देखेगा तो हमारा गाड़ी में ऑलवेज एक दो तीन बैग रख देते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग सब्जी लेकर जिनमें जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये पॉलीथीन बैग का नहीं है, ये कपड़ा का बैग है ना उसको रखते हैं हम लोग, ये सब्जी लेने के लिए आते हैं तो उसमें डालकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बाजार का प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, नहीं यूज़ नहीं करते हैं उसका, ठीक है। और हम लोगों का जो ना घर में भी 4-5 डस्टबिन रहते हैं जिसका हम सेग्रीगेट भी करते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्रचार करने के लिए मैं चालू कर रहा किया था मेरा साइकिलिंग फ्रॉम श्रीनगर से, श्रीनगर से, हाँ श्रीनगर से आप साइकिल लेके निकले जब घर आपके चेन्नई है, चेन्नई से जो है वो कैसे आए श्रीनगर? चेन्नई टू श्रीनगर मैं फ्लाइट पे गया था, फ्लाइट को मैंने शुक्रवार को गया था, शुक्रवार शाम को करीब 5 बजे पहुंचा मैंने, फिर शनिवार सुबह वहां से मैंने चालू किया, ठीक है। मैं कह कि मैं चेन्नई में एक रोटरी क्लब ऑफ मद्रास नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, तो उससे भी मैं मेंबर हूँ, ट्रेजरर हूँ, अभी अगले साल प्रेसिडेंट बनूंगा मैं वहां पे, ठीक है। तो यहां जो श्रीनगर में है रोटरी क्लब ऑफ श्रीनगर, ठीक है, रोटरी क्लब श्रीनगर रोटरी ऑफ कश्मीर है, ओके, वहाँ पे डॉक्टर अमित साहब है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो उनसे मुझे पिछले हफ्ते बातचीत हुआ था, ठीक है, फिर उनसे मिलकर वो उन्होंने मेरा चालू किया था ये कल सुबह, मतलब शनिवार का मॉर्निंग 6:30 बजे वहाँ से निकले थे, हाँ निकले थे, बहुत ठंड था एक्चुअली, वो -2 डिग्री था वहाँ पे, -3 डिग्री, करीब 6 बजे करीब निकला, बहुत मुश्किल से मतलब करीब 8:30 तक बहुत मुश्किल हुआ था, पूरा हाथ जम गया था, ब्रेक भी नहीं लगा पा रहा था एक्चुअली, पूरा काफी ज्यादा ठंडा है वहां पे, हां ठंडा में, ठीक है। फिर रास्ते में जो ना कानवा पे निकल रहा था कल, कल वहां से श्रीनगर से जो कानवा निकलना आर्मी का वो निकल रहा था, इसलिए कहीं के बीच बीच में रुकना पड़ा, मगर जितना भी मिलिट्री लोग था आर्मी लोग सब बहुत मदद किया वहां पे, ठीक है, उन्होंने अपना ग्लव्स दिया था मुझे, ठीक है, खाना दिया, तो इस तरह से करवा कर श्रीनगर से रात को जो है ना मैं उधमपुर पहुंचा, मैंने शाम को करीब 7:30 करीब जो ना उधमपुर पहुंचा, फिर वहीं पे एक होटल में रुक गया, और आज सुबह फिर अगेन उधमपुर से मैंने निकला, अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ अभी, ठीक है, दिल्ली में मोस्टली अभी 1-2 दिन में पहुँचूंगा वहाँ पे, ठीक है। और मेरा है कि और एक हफ्ता ऐसे साइकिल चलाकर टुवर्ड साउथ जाना है, जितना होगा जो ना उतना तक जो ना टुवर्ड साउथ की तरफ मैं चलता रहूँगा अभी, ठीक है, ठीक है। अभी रास्ते में जो जो जैसे आप है और बाकी लोगों से जो भी मिलता हो ना उनके एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एक्सप्लेन ये इसके बारे में बताता हूँ मैं, थोड़ा बता दीजिए क्या, पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या ये है, आपने देखा है
कमिटी बाय कमिटिंग बाय साइकिल का मतलब साइकिल का यूज करना है हमको, कोई भी काम करने के लिए जाता है तो हम लोग साइकिल को यूज कीजिए, कमिटिंग का मतलब वो है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं सो वो कम्यूट है, ऑफिस के लिए जाते हैं वो कम्यूट है वो, ओके। आपने ब्रेड खरीदने के लिए गया वो कम्यूटिंग है, तो वो सब पर गाड़ी मत यूज़ कीजिए। अभी कभी लोग जो ना आधा एक किलोमीटर के भी गाड़ी में जाते हैं अभी, ठीक है, पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में चल गया वो, ठीक है, तो वो मत कीजिए आप। उसका जितना जितना होगा साइकिल यूज़ कीजिए आप, तो उससे हमारा पोल्यूशन कम होता है उसका, ठीक है। और दूसरा मकसद ऐसे में बताया था कि अवॉइड प्लास्टिक बैग्स यूसेज। जैसे तेली जो ना आप सब जगह पर देख सकते हैं, आप हवा में उड़ रहा है, मैं भी रास्ते में जो आ रहा था ना, वो तेली बैग जो ना हम लोग एक सब्जी लिया उसको बस फेंक देते हैं उसको, एक संतरे लिया बस फेंक दिया, वो हवा में उड़ता रहता है। मुझे कि यहाँ पे भी देखिए कितना तेली आप मतलब प्लास्टिक देख सकते हैं आप उसका, तो उसका जितना जितना होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा बंद करना है, वो तो मुश्किल है वो, ठीक है, वो तो मुश्किल है। हाँ, जितना होगा आप उतना कम करेगा, अपने से हो सके उतना बंद, हाँ उतना करना, वो अच्छा रहेगा। एक सवाल आपसे कि हमारे जम्मू के लोगों का कैसा वो आपका बिहेवियर रहा? देखिए सच बोलूँ तो रास्ते में किसी के भी मैंने हेल्प पूछा, जम्मू होने दीजिए या कश्मीर होने दीजिए, श्रीनगर पे किसी के में भी हेल्प पूछा तो सब लोग तैयार था मुझे हेल्प करने के लिए, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आया। और सब लोग जो ना रास्ते में, जैसे कि मैं जम्मू में आ रहा था ट्रैफिक में सब बंद हो गया था वो, ठीक है, वहाँ पे भी लोग ने मुझे हेल्प किया, ठीक है। रास्ते में लोग मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं क्या है, ठीक है। कहीं के लोगों में जो ना, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट मैंने लिया, ये पता चला उनको, उन्होंने पैसे भी नहीं लिया, मैं जबरदस्ती में दे रहा था फिर भी उन्होंने नहीं लिया, बोले कि साहब आप जाइए, आप बहुत अच्छा काम कर, आप जाइए आप उसमें, ठीक है। तो इसलिए बहुत हेल्पफुल रहा अभी तक, या जम्मू से भी या श्रीनगर से भी। अभी आगे मैं जा रहा हूँ पंजाब में, पंजाब में जा रहा हूँ। पंजाब से आगे अम्बाला, फिर आगे दिल्ली तक जाओगे आप? हाँ दिल्ली तक जाऊँगा, मैंने दिल्ली से आगे भी मैं जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे जो ना अगले हफ्ता तक जो ना मुझे चलाना है, मुझे हफ्ता तक, हाँ अगले रविवार, अभी एक सात दिन है अभी, ठीक है। मुझे अभी दो दिन में करीब कितना किलोमीटर हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं आप उसको, 310 किलोमीटर हुआ अभी कल से, ये 310 किलोमीटर है वो, ठीक है। सो आज मैं और करीब 100 किलोमीटर तो मैं कर दूंगा मैं, 400 का मेरा टारगेट है आज, फिर कल परसों। रात को नहीं चलता मैं, रात को जो है ना, पहले तो बहुत ठंड, अभी तो ठंड नहीं रहा होगा यहाँ पे, बट ठंड है, और रात में कहीं रुकना है तो होटल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए रात को जो ना मैं अवॉइड करता हूँ, और थोड़ा ये सेफ भी नहीं है, और सोना भी आज ज़रूरी है। मैं खुद में देखता हूँ 6 घंटे में सो जाऊँ मैं, तो इसलिए कहीं होटल में जाकर 6 घंटे सो जाता हूँ, तो फिर सुबह जो ना करीब, और ये जो है मैं ऐसे निकल जाता, मैं अभी अकेले निकला हूँ मैम, कोई मतलब के साथ में कोई नहीं है, साथी कोई नहीं है, साथ की कोई नहीं है, क्योंकि अकेले जाना चैलेंजिंग रहता है, ओके। मुझे कल भी जो ना वो जम्मू में रामबन के बाद एक जगह पे पूरा चेन फंस गया था मेरा, मैं तो सोचा, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मैं सोचा कि अब तो मुश्किल है, फिर तंडे दिमाग से जो ना सोचकर, ठीक है क्या कर सकता है सोचकर, फिर मैं कुछ ठीक कर दिया था मैंने। मतलब रास्ते में काफी मुसीबतें आती हैं, मुसीबत आती हैं, इसलिए आप देखिए मैं एक टायर एक लेकर जाता हूँ, ठीक है, एक टायर ये है टायर, और मेरे पास 3 ट्यूब पड़ा हुआ है, ये बैग में 3 ट्यूब पड़ा हुआ है, कपड़ा मैं रखा हूँ, कुछ का सामान सब लेकर जाना है हमको, ठीक है, सब अंदर है उसमें, और मेरा मतलब स्पैनर पाना जो भी है ना वो सब जो ना इसी में रहता है, पूरा इंतजाम करके चलते हैं, हाँ पूरा। और ये गाड़ी में जो ना हम लोग उसका ट्रैक रखते हैं, हाँ ये भी एक गाड़ी है, गार्मिन का गाड़ी है, ये दो पहना हूँ इसलिए कि अगर एक खराब हो गया तो भी दूसरे में जो ना मुझे रिकॉर्ड करना है, पूरा तैयारी करके निकलते हैं, इसलिए मैं दो दो पहन कर जो ना मैं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था मैं चेन्नई से कन्याकुमारी गया तो वॉच में खराब हो गया था वो, तो इसलिए वो रिस्क में अभी मैंने नहीं लिया, मैंने तो दो वॉच लेकर मैं निकल रहा हूँ। बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हो, हमें देख के बहुत खुशी हुई कि आप जो है ऐसा मैसेज दे रहे हो लोगों को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने इनसे बात की, ये बहुत ही अच्छा जो मिशन लेके निकले हुए हैं, इनका मिशन यही है कि प्लास्टिक को जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और साथ ही साथ जो है पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म करना है। जैसे मैं जो है ना, मैं रोटरी क्लब ऑफ मद्रास नॉर्थ वेस्ट, ये है चेन्नई पे, ठीक है। सो हमारा यही नहीं, और भी हम बहुत अच्छा काम करते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, रोटरी क्लब से। ऐसे ही रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर जो मैंने मिला था, ठीक है, तो उन लोगों ने सबसे साइन भी लेके जाता हूँ मैं, ये आप देखेगा तो, ये देखिए रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर से उनका प्रेसिडेंट था, ठीक है, और ये BSF का बंदा, CRPF का, ठीक है। और ये जो श्रीनगर में टनल से मैंने निकला था, उनसे परमिशन लेकर जो ना टनल में साइकिल में जाने के लिए नहीं देते, अलो नहीं करते हैं, अलो नहीं करते हैं साइकिल में, फिर भी मैंने उनसे पूछा था, मैंने मेरा बोला था इस तरह से, तो उन्होंने फिर अलो किया, फिर उन्होंने पूरा, ये CRPF का असिस्टेंट कमांडेंट साहब था,
ठीक है, फिर उन्होंने वो साइन किया इस तरह से, ठीक है, फिर ये आर एक हमारा टोल गेट जो आता ना वहाँ पे साइन ले लेते हैं, इसी जगह पे पॉसिबल होगा तो इसे साइन लेकर अभी आगे बढ़ रहा है अभी, ठीक है, ओके।